मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ गाइस गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। गाइस गिलगित बल्तिस्तान की अवाम गवर्नमेंट से तंग आकर गाइस रोडों पर उतर आई है। गाइस रोडों पर उतर आकर अपने हकूक का मुतालिया कर रही है गवर्नमेंट से। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कहना है कि हमें हकूक नहीं दिए जा रहे, हमें हॉस्पिटल्स मुहैया नहीं है, हमें यूनिवर्सिटीज मुहैया नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे रिश्ते और बल्तिस्तान और कारगिल को खोल दो, इंडिया से रिश्ते जोड़ दो। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ों को? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा। बल्ती लोग तो बड़े पाकिस्तान से लव करते हैं। मैं गया हूँ उस साइड पे, मैं स्कर्दू गया हूँ, मैं हंजा गया हूँ, वो तो बड़ा लव करते हैं। बल्कि एक दफ़ा इंडिया ने थोड़ा सा हमला किया था, जगह पर थोड़ा कब्जा करने की कोशिश की है, तो चाइना ने हमें ये लैंड वापस लेके दिए। शायद आपके नॉलेज में आई ये चीज़ ये नहीं है। तो वो तो बल्ती लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ में कोटे हैं, हर लिहाज से उनके यहाँ पे एजुकेशन है, हर मैं नहीं समझता कि वैसा कहते होंगे। सर कौन सी यूनिवर्सिटी में कोटे हैं आप कुछ बता सकते हैं? हर यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में है, उसके बाद ये यूईटी में है, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन वहाँ से की हुई है। सर अगर देखें ना, कोटे बनाते हैं तो अगर वो फैसिलिटीज अगर यहीं कोई यूनिवर्सिटी सिकर्दू में बन जाती, अगर गिलगित बल्तिस्तान में इस किस्म की यूनिवर्सिटीज होती, तो आपको नहीं लगता कि वहीं पर रहकर अपने घर में ही रहकर वो स्टडी भी हासिल कर लेते? आप अगर मैं बरक्स इसके बात करूँ तो इंडिया के अंदर कश्मीर के अंदर उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटीज बना दी है सर, अगर कितनी हॉस्पिटल्स का निज़ाम है सर, वहाँ पर अगर कोई बीमार होता, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, गिलगित के अंदर मसाइल इतने हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल का निज़ाम अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट की सतह पर देखा जाए तो वहाँ पर इस किस्म की नज़र नहीं है, वो इसका मुतनाज़ इलाका है, वहाँ पर अभी तक हमें सूबा नहीं करार दिया गया है, तो पाकिस्तान के अंडर में आप इसको कैसे देख? अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान आप बता रहे हैं सूबा नहीं करार दिया गया, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ अर्सा पहले गिलगित बल्तिस्तान को ना पाकिस्तान का पाँचवा सूबा बना दिया है। नहीं बना है और अभी मंजूर नहीं हुआ, जिसमें फाटा वगैरह भी, फाटा का हिस्सा भी शामिल किया गया है। तो पाकिस्तान का पहले तो 7,96,096 मुरबा मीटर जो सी वो जगह थी, अब शामिल करके ना 8,000 समथिंग हो गई है। तो और ये खाली गिलगित बल्तिस्तान का मसला नहीं कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, या आप किसी और तरफ भी चले जाएँ, बलूचिस्तान में देख लें, वहाँ भी यही हालात हैं। अब इसे फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, सिंध और पंजाब जो है ना, ये रेवेन्यू के लिहाज से, उस एग्रीकल्चर के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, क्योंकि दूसरों से ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर ज़रा तवज्जो ज़्यादा है। और देखें, अगर आप पंजाब में, आप गिलगित बल्तिस्तान से आए, मैं पंजाबी हूँ, आप यहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं, आपको ही पता है कि पंजाबी वाम वेलकम करते हैं दूसरे शहर वालों को, तो ये भी आपका ही पाकिस्तान है। हाँ ठीक है, उन साइडों पे है, मैं भी जनूबी पंजाब वाली साइड से, हमारा यानी बैकग्राउंड है, अगर आप देखें पीछे मेरे बाबा दाद हैं वहाँ से, तो वहाँ पे भी ये फैसिलिटीज़ नहीं है जो लाहौर शहर के बीच में है या इस पंजाब के बीच में है, जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो उनसे ज़मीनें थी, गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, अफवाज ने, हमारी पाक फौज ने वो ज़मीनों को अपना कहकर अपने कब्जे में ले लिया हुआ, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा। आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आप न्यूज़ में देखा होगा आपने कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस वजह से भी आज़ादी चाह रहे हैं कि भाई हमें कम से कम हमें सूबा तो बना दो, अगर सूबा नहीं बनाना तो जो फैसिलिटीज हमें चाहिए वो तो हमें दे दो। आपको नहीं लगता कि एक इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें दे देनी चाहिए? क्या क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मिल रही है? सर ये मिल रही है, नहीं मिल रही, लेकिन वहाँ हिफाजत के लिए ना हमारे पाक फौज तैनात है। आप देखें ना सियाचिन के ऊपर, वहाँ पे मेरा अपना दोस्त है जिसका भाई वहाँ पे तैनात है, 6-6 माह बाद वो घर आता है, उनको खाना नहीं वो खाते, उनके टीके लगते हैं जो उनके लिए, यानी कि वो खुराक का या फूड का काम करते हैं। तो ठीक है यार, होना तो चाहिए, पाकिस्तान के सब बनना चाहिए। मेरे आप बता रहे हैं कि वो नहीं पाकिस्तान के सब बना, मेरे जहाँ तक नॉलेज में था आज से कुछ साल, 1.5 साल पहले, कि पाकिस्तान जो है ना उसका 5वां सूबा डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है आपकी बात ठीक हो, मतनाज़े इलाका अभी नहीं क्लियर, होना चाहिए, होना चाहिए, इस चीज़ को मैं भी एग्री करता हूँ, होना चाहिए। और कराकरम का, शराय कराकरम का सबसे बड़ा हिस्सा ही समझ लें कि वो उस साइड पे है, हमारी जो सा है अपना टूरिज्म, उसको बहुत फ़रोग मिलेगा वहाँ पे अगर उसको पाकिस्तान में शामिल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक किस्म के शाहरख कह लें उसे, क्योंकि टूर से इमरान खान गवर्नमेंट में देखें टूरिज्म का बड़ा वहाँ पे ट्रेंड रहा है, ये अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मुल्क के बीच में कोविड की बात से ना, अब गवर्नमेंट भी इंस्टेबल है, स्टेबिलिटी इतनी नहीं है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मसला ऐसा है जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि उसकी इतनी तवज्जो नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखें तो उस जगह को हर बंदा है जो पसंद भी करता है, हम लोग भी चाहते हैं कि वहाँ पे जाएं, फैमिली के साथ जाएं, टूर करें। लेकिन आप जिस तरह यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, अगर वहाँ पे नहीं है तो ये थोड़ा सा, ये कई जगह पे आप सिंध में देख लें, लाड़काना में जहाँ पे आज भी भुट्टो जिंदा है, आप एक बात करते हैं भुट्टो जिंदा है, तो वहाँ पर देख लें कौन से, वहाँ पर साफ पानी पीने की सहूलत मैसर नहीं है, तो ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे तवज्जो नहीं है। गो के हम पंजाब में रहते हैं, इस खिते के ऊपर ज़रा ज़्यादा तवज्जो है, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू है, एग्रीकल्चर है, फिर सिंध के बीच में समंदर है, पोर्ट वगैरह, वहाँ पे थोड़ी तवज्जो है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ से होती है।
होना चाहिए सब, देखें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप समझे ना कहें। सर एक चीज देखते हैं कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं आई, अगर हम देखते हैं कोई यहाँ पर हर किस्म के तहरीकें चलती हैं कश्मीर के अंदर भी, कश्मीरी भी कहते हैं कि भाई हमें राइट्स नहीं मिलते, हमें वो उस किस्म के राइट्स नहीं, हमें यूनिवर्सिटीज नहीं, हमें हॉस्पिटल्स नहीं दिए जाते, क्या समझते हैं आपके क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, क्या हमारे अभी अब मान लेना चाहिए कि नहीं कि हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं संभाल पा रहे अपने मुल्क पूरे को, क्या चल रहा है ये सब कुछ? नहीं ये तो अगर आप कह रहे हैं तो इसमें तो जाहिर बात है कोई दो राय नहीं है कि संभालना ना संभालना, कुछ किसी को समझ नहीं आ रही, जो संभालना चाहता है उसे शायद संभालने नहीं दिया जाता, यानी कि कोई ना कोई ऐसी गेम चल जाती है कि जो लगता है कि मुल्क के लिए बेहतर है उसे साइडलाइन कर दिया जाता है, और जो यानी कि लालच वगैरह कई करते हैं इस वाले से कई पैसे पूसे लूट के बाहर चले गए हैं यहाँ पे, यानी मुखलिस लोग बहुत कम हैं हिंदुस्तान के, वो खाली ये नहीं कि गिलगित के साथ, वो पंजाब के साथ, वो सिंध के साथ, वो किसी चीज के साथ मुखलिस, वो पूरे पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। सर आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के साथ आजाद नहीं हुआ था, बाद में आजाद हो, बाद में आजादी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने खुद ने हासिल की थी। सर अभी वो पछता रहे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि भाई हमने गलती कर ली कि हमने आजादी हासिल कर ली, हमें दोबारा इंडिया के साथ जोड़ दो, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं इंडिया के साथ जोड़े हैं, इंडिया तो आप भी इतना खुशहाल नहीं है, आप देखें इंडिया के बीच में कितनी तहरीकें उठ रही हैं, वो कहते हैं खालिस्तान अलहदा करो, उसके बाद वो कई इलाके उसके इंडिया के बीच में भी है जहाँ पे जॉनसन है वो हिंदू जो शोधर है उनकी सबसे कम नस्ल है जो उनके जिसे कहते हैं यार ब्राह्मण शोधर वगैरह, उनको ठीक नहीं समझते। अगर हम देखते हैं वो उनके पर्सनल मैटर्स है सर, अगर हम देखते हैं इकोनॉमिकल लिहाज से दुनिया की पांचवी बड़ी मैशियत बन गया इंडिया यूके को बीट करने के बाद, सर उनकी मैशियत स्ट्रॉन्ग है सर, अगर उनमें जो मर्जी होता हो लेकिन वो दुनिया को दिखा सकते हैं कि भाई हमारी मैशियती तौर पर हम स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ हम खुद बनाते हैं दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, सर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। सर हमारे अंदर देखेंगे पॉलिटिकल क्राइसिस इकोनॉमिकल क्राइसिस, आपको पता है इंडिया में 25-35 रुपए किलो केजी आटा मिल रहा है और यहाँ पर 50-60-70 रुपए किलो हमें आटा मिल रहा है सर, इस किस्म की फैसिलिटीज को छोड़कर आपको लगता है कि जो कि कश्मीर के लोग जो कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वो छोड़कर पाकिस्तान में आएंगे? नहीं नहीं कश्मीरी तो वो अगर आप बात करते हैं वो तो एक अलग बात होती है, वो तो ना पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं ना इंडिया के साथ आना चाहते हैं वो, कश्मीर भी और अगर देखते हैं मैप में देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर ये सारा एक ही एरिया में आता है, अगर हम देखते हैं तो हमारा भी ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है? नहीं ऑक्यूपाइड में तो नहीं आता, आज़ाद कश्मीर के साथ ही वो आपकी पट्टी लगती है, ऑक्यूपाइड तो वो लहदा होता है यानी इंडिया के साथ, हाँ वो ठीक है साथ साथ हमारे चल रहा है दरिया के साथ साथ नीलम दरिया के साथ साथ सारा कुछ चल रहा है, लेकिन वो इंडिया की वही बात है, इंडिया का जो फेस वो दिखाया जाता है जिसको ग्लैमर समझ लें कह रहे हैं वो एक खास तबका है थोड़ा सा इंडिया के बीच में, आज भी बच्चे बिक रहे हैं अपनी औलाद को बेच के अपने घर का दो टाइम का खाना पूरा कर रहे हैं, मुझे पता है मेरे अंकल वहाँ से होके आए हैं, वो जो लोग खाना फेंकते हैं गटरों के बीच में वो बेचारे वहाँ से गरीब लोग निकाल के औरतें जो उनसे उनके बच्चे होते हैं वो उसके बाद वो यानी को रेस्ट किए बगैर फौरी डिलीवरी के बाद वो जाके ईंटों की भट्टियों पे काम कर रही होती हैं वहाँ पे, ऐसे है ये एक ठीक है इंडिया बहुत आगे हमसे, इंडिया के इमेज पोर्ट्रे ऐसा उसने किया हुआ है, हमारे पॉलिटिशियन अनफॉर्चुनेटली होता होगा चंद लोग पाकिस्तान में भी करते होंगे, हम ये नहीं कहते कि पूरे के पूरे इंडिया ये करता होगा कि गटरों से उठाकर खाता होगा, सर कहने की बातें ये सारी अगर हम देखते हैं तो एक चीज सर अगर हम देखते हैं इकोनॉमिकल लिहाज से हमारा कोई इमेज नहीं है, इकोनॉमिकल लिहाज से हम डिफॉल्ट हो गए हैं, अगर आप कहते हो कि टेक्निकल तौर पर हमारे बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहते हैं टेक्निकल तौर पर हम डिफॉल्ट हो गए हैं, सर अगर देखें टेक्निकल तौर पर इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व है सर वो 700-800 बिलियन डॉलर्स के पड़े हुए, हमारे पास देखें ना क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा हुआ सर, अब हमें इस बात को तस्लीम कर लेनी चाहिए कि नहीं कि हम इंडिया से पीछे रह गए हैं भाई? ये आप बात ठीक कर रहे हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, लेकिन नाउमीदी जो उनसे ना वो गुनाह भी है और हमें इस मुल्क से प्यार मान लेना चाहिए। नहीं अब नहीं नाउमीदी होने की बात नहीं कर रहा मैं, अभी के जो सिचुएशन है सर उसको मुताबिक मान लेना चाहिए कि हम बहुत पीछे रह गए हैं इंडिया से। नहीं आप बात ठीक कर रहे हैं, देखें हमारे पास जो सी पैक एक मंसूबा है ये आने वाले पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ उठा के ले जाएगा, इंडिया हमारा मोहताज हो जाएगा। सर वो आने वाले टाइम की बात हो रही है, आने वाले टाइम की बात हो रही है, मौजूदा वक्त के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सर, अगर हम मान लेंगे तो क्या चला जाएगा? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, जो करंट सिचुएशन है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, चाहे वो मतलब क्रिकेट के थ्रू है या अपनी मतलब फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू है, उसके बाद पैसा बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकली वो जो है बहुत हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ भी थी एक्सपोर्ट के वाले से, हम लोग उस वजह से काफ़ी पीछे रह गए हैं हमने, उसके बाद हमारे एक और भी चीज़ है ना देखिए हमारी ज़रूरी ज़मीन काट काट के कटिंग कर करके यहाँ पर सोसाइटीज़ बन रही हैं जिस वजह से हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ रही हर चीज़, उस वजह से हम बहुत पीछे रह गए। देखिए अब नहीं कहना चाहिए अब जो इसमें तो करंट गवर्नमेंट चल रही है
उन्होंने मुल्क के बीच में प्याज इंपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पैसा नहीं है, लेकिन वो मर्सिडीज वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। और अपनी जो एलीट क्लास है वो मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को रह नहीं गई, मैं नहीं कहता कि मिडिल क्लास है, ये पूरे पाकिस्तान का आलमी है। या आप अगर कहें ना गिलगित बल्तिस्तान का ये मसला है, ये कुछ देखें ना सी पैक अगर बना है तो वो आपकी उस पट्टी को सारी टच करती हुई आ रही है। उसका फ़ायदा अगर आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को गिलगित को अलहदा कर दिए, तो देखें इस वक्त सोने की चिड़िया तो माशाल्लाह वही बनी हुई है। और फिर फ्यूचर के बीच में अगर हम देखें तो इतना शायद पंजाब को फ़ायदा नहीं होगा जितना उस पट्टी को होगा। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने ना सोचती, गिलगित बल्तिस्तान हमें कितना फायदा पहुंचा रहा है, चाइना के साथ मुआहदा भी गिलगित बल्तिस्तान की वजह से है। अगर वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे वो हिस्सा इंडिया के पास चला जाता है तो सीपैक का निजाम सारा खत्म, धर्म भरम हो जाएगा उसमें। तो फिर अगर इंडिया के पास जाता फिर तो नुकसान गिलगित बल्तिस्तान का भी है, इंडिया तो उस तरह से उसको नहीं लेके चलेगा। दहरी बात है, पाकिस्तान के साथ अगर मनसूबा चाइना का है सीपैक का, तो इंशाल्लाह आप भी पॉजिटिव रहें। नहीं नहीं हाँ, होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव रहें, ऐसा नहीं है ये क्योंकि आप देखें आप वहाँ के नुमाइंदे हैं, मैं अपने पंजाब पाकिस्तान के नुमाइंदे, बेसिकली आप भी पाकिस्तान के नुमाइंदे, हम भी पाकिस्तान, आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान की है, वो ठीक है, वो किसी वजह से उन्होंने अगर नहीं अभी डिक्लेयर किया, इन फ्यूचर होपफुल हैं हम लोग, तो चाहते हैं कश्मीर भी जो है ना वो हमारे साथ मिल जाए, जो आज़ाद कश्मीर है। और थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? फारूक भट्ट। भट्ट साहब करते क्या? अकाउंटेंट हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त सर, बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, अभी रिसेंटली आपको एक न्यूज़ आई होगी कि काफ़ी चर्चे में है न्यूज़, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। प्रोटेस्ट किस किस्म के चल रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि भाई मौजूदा गवर्नमेंट और जो गुजर गई है गवर्नमेंट, वो हमें हकूक नहीं दे रही। सर अभी गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ इलाका है, अभी तक पाकिस्तान के नाम, हम नेशनलिटी हमें पाकिस्तान की मिल चुकी है, मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, नेशनलिटी हमें पाकिस्तान की मिली हुई है, लेकिन उस किस्म के राइट्स नहीं है। क्या समझते हैं आपके वो राइट्स कब मिलेंगे हमें? क्या गवर्नमेंट्स में फॉल है या फिर कोई और इश्यूज है जिसकी वजह से ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये सारी पॉलिटिकल गेम है, एक्चुअली ये इंटरनेशनल लेवल पर है। पाकिस्तान कुछ इंटरनेशनल ताकतों को नाराज नहीं करना चाह रहा, इस वजह से उनको पूरे हकूक ऑफिशियली आप कह लें कि नहीं देना चाह रहा, मेरे हिसाब से ये है। लेकिन इंटरनली हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप पंजाब से हैं, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं, चाहे आप बलूचिस्तान से हैं, सब एक पाकिस्तान के परचम तले एक हैं। हाँ जी सर, अभी रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक स्लोगन चल रहा बहुत ज़्यादा, कारगिल और बल्तिस्तान को खोल दो, इंडिया के साथ रिश्ते जोड़ लो, इसको कैसे देखते हैं आप? ये रिश्ते का ये स्लोगन हमें किस तरफ के टच देता है? यार मैं तो सीधी सी बात करूंगा, पहले आप कश्मीर का मसला हल करें, उसके बाद कोई और बात होगी। इंडिया की तरफ से ज़्यादातर यही दूसरे इश्यूज को हाईलाइट करते हैं ताकि कश्मीर पे कोई बात ना करे। तो अभी हमारी गवर्नमेंट थोड़ी इस टाइम कमज़ोर फुटिंग पे है, और जब मैंडेट इनको मिलेगा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी अगले 5 साल का, तो उस हिसाब से वो फैसले ज़्यादा पावरफुल तरीके से कर सकेगी बनिस्बतन करंट गवर्नमेंट के जो अभी सॉफ्ट फुटिंग पे रहे। सर आपने कहा कि कश्मीर से जो हमारा ध्यान हटाना चाहती है, सर आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से कश्मीर मुतनाज़े इलाका है उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान भी मुतनाज़े इलाका है। गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान की आज़ादी से 2 साल बाद की है सर, हमने खुद आज़ादी हासिल की है, इसको कैसे देखते हैं आप? गिलगित बल्तिस्तान के लोग यही कहते हैं कि हमने आज़ादी भी खुद ली, लेकिन अभी वो रिश्ते बेहतर करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान से, क्या हमें रिश्ते बेहतर करने की ज़रूरत है हिंदुस्तान के साथ या नहीं? नहीं, रिश्ते हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे ही रखने चाहिए, लेकिन एक इक्वल फुटिंग पे। अगर उन्होंने बात करनी है गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे, तो कश्मीर के इशू पे बात करें, तिजारत के इशू पे बात करें, क्रिकेट मैचेस होने चाहिए उस पे बात करें, आईपीएल पीएसएल में एक दूसरे के प्लेयर्स होने चाहिए, फिर हर चीज़ पर बात होनी चाहिए, तिजारत पे बात होनी चाहिए। हम नेबर्स हैं इकट्ठे, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, सो हमें एक दूसरे के साथ मिल के चलना है, तो एवरी इशू कैन बी रिजॉल्व्ड। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं जैसे मैंने कहा, जैसे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जब आती है वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होती है, उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट कह लें या उनके अंदर की पावर्स उनके बैक पे होती हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है वो स्ट्रॉन्ग मैंडेट नहीं होता उनके पास। तो होपफुली हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी पावर में आएगा उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट होएगा, तो वो फैसले ईजिली कर पाएंगे। बिल्कुल सही सर, गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि हमें जो उनसे आटा है, हमें आटे के अलावा सर हमें ज़िंदगी के वसाइल नहीं हासिल, हमें हॉस्पिटल्स का निज़ाम नहीं हासिल, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो क्या क्या समझते हैं आपके जो उनसे उनकी ज़रूरियात है
सर कश्मीर का भी यही इशू है, कश्मीर के अंदर भी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक हॉस्पिटल है, बाकी के पूरे कश्मीरी यहाँ पर उठ के आते हैं, पाकिस्तान लाहौर के अंदर आते हैं, दीगर सिटीज के जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि फैसिलिटेट करने की जरूरत है वहाँ के लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी, कश्मीर के लोगों को भी, ताकि जिंदगी के वसाइल जो चीज़ों को मिलती है तो प्राउड फील करते हैं? सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, आपकी बात ठीक है, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन ये इशू अक्रॉस पाकिस्तान है। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो आप पाकिस्तान के किन्हीं एरियाज में जाएं, बहावलपुर या इस तरह के बैकवर्ड एरिया में, राजनपुर में जाएं, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम्स हैं। हमें जो है डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से हमें सूबे बनाने चाहिए बहुत ज़्यादा, और उनको अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो उन एरियाज के अंदर सर्व कर सकें अपने लोगों को। अभी ठीक, नाम आपका? गुलाम मोहिद्दीन। करते क्या? सर मैं नादरा में होता हूँ। बहुत ज़बरदस्त यार। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कहना है कि आज़ादी के बाद हमें वो हकूक नहीं मिले जो कि हमें मिलने चाहिए। बॉर्डर के उस पार हम देखते हैं, कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और कारगिल को आज़ाद करो, को सॉरी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को आज़ाद करो और इंडिया के साथ रिश्ते मजबूत करो। इसको कैसे देखते हैं हम? इस किस्म के स्लोगन चल रहे हैं वहाँ पर। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का कहना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट और जो पास गुजर चुके हैं सारी गवर्नमेंट्स, हमें हकूक नहीं दे रही, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर असल में गवर्नमेंट जो है ना वो कश्मीरियों को या गिलगित वाले लोगों को इसलिए भी हकूक नहीं दे सकते, अगर तो पार्टीशन हो जाती और हम इंडिया वाले पोर्शन को आज़ाद कर लेते हैं कश्मीर के, तो फिर तो कश्मीर ने एक अपना इंडिपेंडेंटली कंट्री बना लेनी है। तो हमारी जितनी मेजर चीज़ें हैं ना, हमारी जितनी लेक्स हैं या जो इतना इस तरह की सारी चीज़ें हैं, वो कश्मीर में ज़्यादातर फॉल कर रही हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान से अलग हो जाना, तो हमारा मुल्क तो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेन एसेट्स ही पाकिस्तान के एक सेपरेट कंट्री में चले जाएँ। तो इस वजह से भी वो इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते इनको, क्योंकि पाकिस्तान के मेन एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हो जाएंगे। मतलब पाकिस्तान ने अभी तक इसको अपना एरिया नहीं समझा? नहीं समझा, बिल्कुल भी नहीं समझा। अगर मैं बात करूँ इंडियन कश्मीर, जो कि इंडिया के पास कश्मीर है सर, उन्होंने डेवलपमेंट की एक इंतहा कर दी है सर, G20 की मीटिंग और उसके बाद बहुत बड़े सिनेमा हॉल, उसके बाद रेलवे ट्रैक, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उस किस्म की रेल नहीं चलती, हाइब्रिड ट्रेन सर, वो सारी इंडिया अपने कश्मीर के अंदर चला रहा है। सर क्या वजूहत है कि हम अपना समझते नहीं है, या हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, क्या इश्यूज हैं? गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस टाइम रोडों के ऊपर बैठे हुए कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से हमें हकूक चाहिए। वो एक नारा लगाते हैं, बल्तिस्तान और कारगिल को आज़ाद करो, इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं उनको भी आज़ाद करो। इसको कैसे देखते सर? मेजरली तो मैं यही कहूँगा कि पॉलिटिकल रीजंस हैं। उसकी वजह यह है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मेजर एरिया है वो कश्मीर एक इंडिपेंडेंटली अपना मुल्क बना ले, क्योंकि जब इंडिया का कश्मीर का जो पार्ट है हमारा वो, और पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है हमारा, अगर वो मर्ज हो के एक सेपरेट कंट्री बना लेते हैं तो फिर पाकिस्तान तो समझ लें कि ऑलमोस्ट जीरो के करीब आ जाएगा। तो कभी भी नहीं वो चाहेंगे कि वो ज़्यादातर उस चीज़ पर फोकस करें या कश्मीर और गिलगित वाली साइड पर जाएँ। वो इसलिए अपना फोकस नहीं करते, जो आप पॉइंट कह रहे हैं ना कि इंडिया का जो कश्मीर वाला पार्ट है वो उस पर बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी पार्ट पे वो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो वजह ही है। मैं बताइए अभी भी देखें आप तो हमारे जितने कश्मीरी भाई हैं पाकिस्तानी एरिया में, वो एक सेपरेटली देखते हैं, उनके आईडी कार्ड्स पे भी आप देखें तो आज़ाद कश्मीर का एक अलग उनका है लोगो, और बाकी मामला भी अलग हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस पर फोकस किया जाए, वरना वो एक सेपरेट पोर्शन बन जाएगा। जैसे हम ऑलरेडी बांग्लादेश को लूज़ कर चुके हैं, तो हम अपना जो पाकिस्तानी कश्मीर का एरिया वो भी लूज़ कर जाएंगे। सर क्या वजूहत है, क्या गिलगित बल्तिस्तान अब इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है? ऐसा भी नहीं है कि वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहें, वो तो हमेशा चाहेंगे कि वो, एक तो मुस्लिम्स हैं वो चाहेंगे कि पाकिस्तान में रहें, लेकिन वो इतने फेडअप हो चुके हैं इस चीज़ से कि वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो उस चीज़ पे फोकस ही नहीं करती, उस एरिया में फोकस नहीं करती, तो वो फेडअप होने की वजह से नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं अपने हमेशा। सर आपने कहा मुस्लिम्स हैं, सर एक मुस्लिम बॉर्डर के उस तरफ रहते हैं, एक मुस्लिम बॉर्डर के इस तरफ रहते हैं, एक मुस्लिम के तरफ आटा जो है 25-30 रुपए किलो मिल रहा है, दूसरे मुस्लिम की तरफ आटा 60-70 रुपए किलो मिल रहा है, तो कौन सा मुस्लिम किधर जाना प्रेफर करेगा, 25 रुपए या 30 रुपए के पीछे या 70 या 60 रुपए के पीछे? ये तो आप कह लेना कि